हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है थर्ड पार्ट, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है आई नो। और ये वाला पार्ट जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बर्फ़ में पोरफुल, मतलब कितनी ज़्यादा बर्फ़ में किस तरह से सबने मैनेज किया था चलना, और इतनी ज़्यादा ठंडी में, तो वो आपको देखने मिलेगा। तो बाकी का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी, बर्फ़ हर जगह, और अभी आगे आपको और भी ज़्यादा बर्फ़, मतलब बताते हैं कि 10 फुट जो है, 10 फुट में बर्फ़ जमी रहती है, उसको काट के बहुत मुश्किलों से जो है लोग वहाँ से निकलते हैं। मतलब ये आर्मी वालों का काम होता है, तो आर्मी वाले मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करना, इतनी बहुत मेहनत है उनकी यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह तक किसी को भी जाना, वो तो आई नो कि आप लोगों को सबको पता ही है कि कोई भी नहीं जा सकता है बच्चों में, और लेडीज़ें भी ना, गिनी चुनी मुझे लेडीज़ें भी दिखाई दी, क्योंकि इतना मैनेज करना हर किसी के बस में नहीं है। तो यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी इनकी, जुखाम से ये वो, मतलब बहुत। पर यहाँ से व्यू भी ना इतना सुंदर आपको देखने को मिलेगा, आप ये देख रहे हैं बर्फ़ हर जगह, इतनी ज़्यादा बर्फ है। आगे आपको ना स्केटिंग करते हुए आर्मी वाले दिखेंगे, और बहुत अच्छा अच्छा जो है ना व्यू भी दिखने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी आगे का व्यू तो इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो मतलब ये सब चीज़ें हर किसी को ही पसंद होती है, और ख़ासकर हर कोई देख रहे हैं, शूट कर रहा है कैमरे से ये वो। तो ये देख सकते हैं, इन्होंने हर एक चीज़ का लिया था, बर्फ़ का भी। और मतलब यहाँ से भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ये हम लोग कहाँ पहुँचे? गणेश स्टॉप ना। यहाँ से इतना अमेजिंग व्यू था ना, मतलब ऐसा लग रहा था बादल बिल्कुल ना एकदम पास में है, एकदम नीचे धरती के, और आप हाथ से पकड़ सकते हो उसे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू था यहाँ पे, और सारे लोग मतलब जो कुछ साधु संत हैं, कुछ हर कोई जो है ना पैदल, बहुत से लोग यात्रा, और हर जगह, जैसे मैंने बताया था पहले व्लॉग में कि जहाँ जहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कभी कभी 2-3 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, जहाँ पर जो है घोड़े नहीं चल पाते हैं, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है कि रिस्क भी नहीं लिया जा सकता है। और अगर आप रुकना चाहते हैं ना, तो हर जगह टेंट अवेलेबल है, थोड़ा महंगा ज़रूर आपको मिलेगा, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हर जगह आपको मिलने वाली है, कहीं ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह दो जगह, हर जगह। और रुकने के लिए भी हर जगह है टेंट वगैरह की, आप कहीं भी ले कर रुक सकते हैं।
ये आ चुके हम लोग पंचचंडी। Thank you.
और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है आखिर में बाबा के दर्शन जो है हो गए थे, सामने थे जस्ट बाबा, बट बहुत ज़्यादा आगे तक शूट नहीं कर सकते इसलिए यहीं तक इन्होंने जो है ना शूट भी किया था। तो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट का इंतज़ार करिएगा, छोटा सा एक और पार्ट आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।